आपने जो किया है क्या देवेंद्र यादव प्रदेश प्रभारी और आपके बीच में उसे एक जंग के तौर पे देखा जाए, क्या कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? साजिश कर रहे हैं सर, आपकी पोस्ट जो है वो बहुत कुछ कह रही है। चुनाव देवेंद्र यादव अपनी मनमानी कर रहे हैं, जब दिन आएगा मैं बात करूंगा। सर सर एक बार बता दीजिए, भले ही इशारों में बता दीजिए, वो कौन लोग हैं जो आपकी राह रोक रहे हैं? वो कौन लोग हैं सर? अरे मुंह में जी सर सर हरीश रावत जी सर, हरीश रावत जी ने एक ट्वीट किया है और एक तरह से उन्होंने जो पार्टी में स्थिति है उसको बयां किया है, क्या मतलब निकाले इसका? देखिए हरीश रावत जी इस प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, कांग्रेस को वापस लाने में 2002 में इस राज्य के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि उन्होंने कोई ट्वीट किया है जो मैंने भी पढ़ा है, कहीं ना कहीं दर्द छलकता है उनका और कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की भावनाओं को व्यक्त करते हुए वो दिख रहे हैं। हमको भी लगता है, कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मुझको भी लगता है, कोई ना कोई ताकत भाजपा के हाथों में खेलते हुए इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की वापसी की संभावनाओं में बाधा उत्पन्न कर रही है। प्रदेश प्रभारी जी हम सबके लिए बड़े सम्मानित हैं और प्रभारी का काम होता है कि सभी लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय स्थापित करना, पंचायत करना। परंतु यदि प्रभारी जी कहीं पार्टी बनते हैं और जो कार्यकर्ताओं को आभास हो रहा है गुपचुप रूप से, जो पुष्पसाठ है, जो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा की साजिश ऐसी है कि कांग्रेस के कुछ जिम्मेदार लोगों को षड्यंत्र के तहत अपने जाल में फंसा कर और कांग्रेस की जो वापसी की संभावनाएं हैं उसमें बाधा उत्पन्न करें, ये संभावनाओं को खारिज करने के लिए कोई ना कोई ताकत काम कर रही है। हमारे लिए प्रभारी ये तो बड़े सम्मानित हैं, परंतु जो इशारा कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं वो बड़ा गंभीर है, चिंताजनक है और हाईकमान को इस पर संज्ञान लेना चाहिए।